तच्च भगो जाई तच्च स उखेव एवं खलु जम्बो समणेन जाव संपत्तेन अंतगढ़ दशाण अठमस अंगस तच्च स वग्गस अंतगढ़ दशाण तेरस झेणपणता तंजा अणियसेण अनंत सेण अजय सेण अणिहरियो देव सेण सत्तु सेण सारणी गय सुमूह दुमूह कुबय दारुय अनादिथि जैन स्मते समणेन जाव संपत्तेण तच्च स वग्गस अंतगढ़ दशाण तेरस झेणपणता तंजा अणियसेण जाव अनादिथि तच्च शरण भन्ते पग्गस परमजन स अंतगढ़ दशाण के अठे पणते। तीसरे वर्ग की प्रस्तावना भगवन, दूसरे वर्ग का अर्थ सुना, अब तीसरे वर्ग का क्या अर्थ है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बो, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन हैं, जिनके नाम अनीक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गज गज सुकुमाल, सुमुख दुर्मुख, कूपक दारुक, अनादृष्टि, ये 13 अध्ययन। भगवान मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन कहे हैं, तो भगवान कृपा करें अंतकृत दशांक के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ है? एवं खलु जम्बो तेन कालेन तेन समयेन भद्दिलपुरे नाम नैर्योथा ऋद्धिथमिय समिद्धे वन्नौ तस्ण भद्दिलपुरस नैरस उत्तरपुरति मे दिशि भाय श्रीवण नाम उज्जाने होता वन्नौ जिय सत्तुराय तत्ण भद्दिलपुर ना नयर नाग नाम गावयोता अर्ध जाव परिभुए तसण नाग स गावय स सुलसा नाम भारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा तसण नाग स गावय स पुत्रे सुलसाय भारियाय तय आणीय से नाम कुमार होता सुमाले जाव सुरुवे पंच परिकृत तंजा खीर धाई जा दड़पैन जाव गिर सुहेण परिवढ़ाई। हे आयुष्मान जम्बू, उस काल उस समय में इस भारत वर्ष में भद्दिलपुर नाम का नगर था, बड़ा समृद्ध था। भद्दिलपुर नगर के ईशान कोण दिशा भाग में श्रीवन नाम का उद्यान था, बड़ा सुंदर भव्य था। जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है, ऐसे भद्दिलपुर नगर में जित शत्रु राजा और उस नगर में नाग जिसका नाम है गाथापति सेठ बड़ा समृद्ध था, अपरिभूत, किसी से दबने वाला नहीं था। आज की भाषा में कहते दबंग, दूसरे को दबाता है लेकिन स्वयं नहीं दबता। कहते एक तो यथार्थवान ठीक हो, फिर दूसरे दबने में भी खुशी महसूस करते हैं। यदि दूसरे को दबाने वाला हो, स्वयं उच्छृंखल हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ना अपने परिवार के लिए ना अपने समाज के लिए, वो आखिर एक दिन नुकसान का कारण बनता है।
तो नाग गाथापति ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में नाम कैसे रखते थे? आज किसी का नाम है? किसी बहन का नाम हो नागण? कोई नाम नहीं। तो वैसे गुस्से में चाहे कह दें, जिस समय बच्चे का नाम रखना होता है ना, गुरु महाराज कोई बढ़िया सा नाम बताओ, तो जब जाओ कोई शास्त्रों के हिसाब से नाम बताते हैं, कहते महाराज जो है नहीं, वर्तमान के हिसाब से। भाई फिर आपके नाम बताने के लिए घर में बैठे हुए, आपका इंटरनेट खोल लो, देख लो जो कुछ आपको मिलता है। जे नाम हमारी संस्कृति का उद्बोधक है। आप देखो हिंदुओं के नाम, नाम से पता चल जाएगा जो हिंदू है। मुसलमानों के नाम, नाम से पता चल जाएगा मुसलमान है। ईसाइयों के नाम, उनसे पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, किसी का नाम सायरा, किसी का नाम आयरा, किसी का नाम कैसे कैसे नाम कहे। नाम नाम के बिना व्यवहार नहीं चलता। नाम वो रखो जिसमें अपनी संस्कृति का बोध होता हो, हमारे मुंह से अच्छा शब्द निकले। पुराने जमाने में क्या नाम? भगवान दास। क्या नाम? हरिदास। किसके? देवदत्त, गुरुदत्त। कैसे संस्कृत नाम होते थे, उनके अर्थ होते थे। बिना अर्थ के पहले तो कहते नाम बताओ, नाम बता दिया, कहते महाराज इसका अर्थ भी बता दो। अब किसी ने नाम रख दिया, अपने बच्चे लड़की थी उसका नाम रख दिया गणिका। मैंने पूछा ये किसने बताया, कहते हमें अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा तो लगा, इसका अर्थ क्या है भला? कहते आप बता दो, नाम आपने रखा, अर्थ मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने कहा इसका अर्थ होता है वेश्या। हाँ भगवान ही क्या रख दिया, उसी समय क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कहने का मतलब नाम रखा है कैसा होना चाहिए, अर्थ वाला होना चाहिए। अर्थ भी कैसा हो, अर्थ तो उसका भी था, जो एक आदर्श हो, हमें शिक्षा देने वाला हो, ऐसा नाम होना चाहिए। तो आप कहेंगे नाम क्या रखा, नाग। ये आपकी सोच है ना, जब नाग शब्द सुनते तो आपके ध्यान में क्या आता है, नाग देवता। लेकिन हाथी को क्या कहते हैं, हाथी का एक नाम नाग है, नाग हाथी को भी कहते हैं, नागेश। कौन? गंध हस्ती, जिसकी स्मेल को सूं करके शत्रुओं के हाथी जो मदहीन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो सेठ का नाम क्या था? अब नाग का अर्थ सांप नहीं आएगा, किसका आएगा? कहते सांप आता फिर अपनी कमजोरी है, नाग। उस नाग गाथा पति की गाथा पत्नी, धर्म पत्नी, जिसका नाम था सुलसा। कहते सुलसा क्या होता है, सुलसा का भी अर्थ होगा, लस धातु कांति अर्थ में आती है, लस कांति अर्थ में। तो सुलसा, जिसकी चमक, जिसका तेज, जिसकी पुण्यवाणी,
अपनी होती हैं। जानते हैं परिवार के अंदर एक भी पुण्यवान हो, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, सारे बड़े आराम से रहते हैं, और यदि वह निकल जाए तो बस दीनहीन हो जाते हैं। एक बहन ने कहा, कहते हमारे जब मैं पियर में थी ना, तो मेरा पियर का परिवार बहुत अच्छा समृद्ध था, और जहाँ मेरी शादी की जब मैं आई तो कुछ भी नहीं था, मेरे आने के बाद पियर का परिवार तो फूल के समान मुरझा गया, और ये परिवार फूल के समान खिल उठा। मतलब पुण्यवान जहाँ जहाँ जाता है उसकी पुण्यवानी क्या करती है, प्रभाव दिखाती है। जैसे आप धन्ना जी का सुनते हैं, जहाँ जहाँ गए वहीं पर लहर भर हो गई, और जिस स्थान को छोड़ा गई उजाड़ हो गया, वीरान हो गया। तो नाग गाथापति सुलसा सेठानी बड़ा अच्छा वर्णन दिया है, सुकुमाला जाव सुरूबा, बीच में कई शब्द आते हैं। श्री उपासक दशांग में आनंद श्रावक की धर्म पत्नी शिवा, उसके लिए शब्द दिए सारे। कहा केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं थी, जवान भी सुंदर थी और आत्मा मन भी सुंदर था। आत्मा भी क्या थी, सुंदर थी। शारीरिक सुंदरता तो कईयों को मिल जाती है, लेकिन जब जवान का वर्णन आता है तो आग बरसती है, और मन की बात, मन वाणी शरीर की शोभा, मन की शोभा सत चिंतन से, जवान की शोभा सत्य हो, हितकारी हो, मधुर वाणी इनसे होती, और शरीर की शोभा केवल सुंदरता से नहीं, सुंदर आचरण से, सदाचार से, धर्म आराधना से, नैतिकता से शोभा है। बहुत अच्छी थी, परिवार का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। नाग गाथापति का पुत्र सुलसा भार्य का आत्मज, जहां पर स्वप्न आदि का वर्णन नहीं आया, जन्म का वर्णन भी नहीं आया। हर साल सुनते हैं इसलिए आपको पता है, ना सुनते हो तो फिर हम बताएं, पर समय आने पर जैसे प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे। उनका आत्मज अनियस अनीक सर नाम का कुमार था, बड़ा सुकुमाल सुंदर रूप वाला, पांच धाय माताएं उनका ध्यान रखने वाली, पालन पोषण करने वाली। कहते यदि दूध पिलाने वाली, नहलाने वाली, कपड़े बदलने वाली, खिलाने वाली सारी अलग अलग हैं, तो माँ क्या करती होगी भला, क्या वह शो पीस थी भला, सारा काम तो। कहते एक गरीब बच्चा और अमीर बच्चा मिले, और उसने सारा गिना दिया, मेरा वो काम वो काम वो काम, कौन कौन करता सारा। कहते आपके कौन करते हैं, कहते मेरे सारे काम तो मेरी मम्मी करती, माता करती है। कहते मेरी मम्मी तो सारे काम करे, तेरी मम्मी क्या करती है, तेरी माता क्या करती है। वो हैरान, कहते मेरी माता कुछ भी नहीं करती। मतलब जिस समय माँ बच्चे का सारा ध्यान रखती है तो वो संस्कार बच्चे पर भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो बच्चे असंस्कारी थे, माँ देख रेख करती है कि कोई कमी तो नहीं है, बच्चे को गलत शिक्षा तो नहीं मिल रही। जानते हैं काम तो वर्कर करते हैं, लेकिन उसकी सफलता, उसकी निष्फलता,
उसके प्रबंधक को जाती, वर्करों को जैसे कहा जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं, लेकिन उनसे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना ये किसके ऊपर है, जो उनके ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे माँ क्या है, उन पांचों के ऊपर सारा ध्यान रखने वाली, इसका मतलब माँ की ड्यूटी सबसे ज्यादा है। कहते हैं जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा जी का वर्णन आता है औपपातिक सूत्र में, राज प्रश्नीय में, भगवती सूत्र में, ये तीनों ही अलग अलग हैं। नाम दृढ़ प्रतिज्ञा इसलिए रखा कि जब वो आत्मा माता के गर्भ में आए, माँ की धर्म के प्रति आस्था दृढ़ता बढ़ गई, नियम मर्यादाओं के प्रति दृढ़ता आई, मजबूती आई, इस अलग मजबूती को देख करके माता पिता ने विचार किया हम इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा। कहते जैसे वहां पर आता है ऐसे ही पालना पोषणा उस बच्चे की हो रही है, सुख पूर्वक बढ़ रहा है, जैसे चंद्र कला का दृष्टांत आता है, जैसे पहाड़ के ऊपर पैदा हुई बेल का वर्णन आता है, जहां चौपायों का कोई उपद्रव नहीं है, निर्विघ्न आगे से आगे बढ़ती जाती है, ऐसे वो बच्चे की भी पालना पोषणा बड़े अच्छे ढंग से हो रही। तैनं अणीय संकुमारं साईरे गाठवास जायं अम्मा पियरो कलायरिय जाव भोग समत्थे जाए जामी होता तैनं तं अणीय संकुमारं उमुक बाल भावं जानेता अम्मा पियरो सरीं सियाण जाव बत्ती साय इभवर कन्नगाण एक दिव से पाणी गिणावेंती तैण से नाग गावयाणीय स कुमार स ईमंगे आरोबं पीदान दलय तंजा वीरवती संहिरन कोडियो जा महावल स जावो पिंग पसाय वर गाय फुट मण बिहराई। जब वो बच्चा अनेक सैन 7-8 साल का हुआ, कहते हैं साई रेग अठ वास जाए, वैसे तो वह 7 साल का गर्भ काल को मिला दे तो 8 साल का बन जाता, 9 महीने और जोड़ देते। बच्चे का दिमाग का बल ठीक हो जाता है, आजकल का जमाना नहीं था, माँ बाप भी सोचते कब 2.5 साल हो तो मेरे को क्लब आदि जाने में छूट हो जाएगी, क्योंकि अब बच्चे का क्या है, कहा जैसी भावना फिर वैसा ही वो रंग दिखने में आ रहा। जब 7-8 साल का हुआ तो माता पिता ने शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा, आत्मा संस्कारी है, जन्म जन्म के साधक है, क्षोभम प्रबल है, बुद्धि की ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति कार्य शक्ति बहुत अच्छी है, गुरुओं के चरणों में रह करके शिक्षा का विकास हो रहा है, गुरुओं के अनुशासन, जहां पर छोटे बड़े का सवाल नहीं, पढ़ रहे हैं सीख रहे, समय निकल रहा है। एक समय ऐसा आया अनेक सन 72 कलाओं का ज्ञाता हो गया, 72 कलाओं में सब कुछ सिखाता है, सीखने में आ जाता है, कब किस समय क्या जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी योग्यता व्यक्ति को दूसरे के मुंह की ओर बोलो भला, घर के अंदर झाड़ू देना भी आना चाहिए ना, बोलो
नहीं आना चाहिए। मानो सफाई वाला ना आए वह छुट्टी कर जाए तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रोटी भी तो बनानी आनी चाहिए। कुएं में से पानी कैसे निकालना है? मानो कभी लड़ना पड़े तो हाथों में शस्त्र उठाना भी चाहिए, आना उसकी भी जानकारी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जे दोनों हाथ मानो पास में शस्त्र ना हो तो हाथ कैसे चलाने हैं, टांगे कैसे चलानी है? आजकल सिखाते हैं ना, किस वास्ते वाला? आत्मरक्षा के लिए, दूसरे को दबाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। तो 72 कलाओं के ज्ञाता बने, जब वापिस आए कलाचार्यों ने माता पिता को सौंपा, जैनी था छोटा सा बच्चा सौंपा, अब तो जवान हो गया है, कहा जे बेटा संभालो। कलाचार्यों का माता पिता ने वह सम्मान किया, सेवा की और विपुल अर्थदान धन देना, ताकि जे कलाचार्य आजीविका की चिंता से मुक्त रहे। कभी देखो समय था स्कूलों में, जब बच्चे कमजोर होते थे तो स्कूल के अध्यापक अलग समय, स्कूल टाइम से पहले या बाद में बच्चों को क्या करते थे? पढ़ाते थे, लेकिन उसकी फीस नहीं लेते थे, ताकि बच्चा किसी प्रकार से परीक्षा में कमजोर ना रहे। और वर्तमान का देख लो वाला, जब तक बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता तो उसके घर वाले की ना माँ बाप की शान है ना उस बच्चे की शान है। कहते हैं भाई ट्यूशन पढ़ रहे हो तो स्कूल में क्या पढ़ने जाते हो? कहते कोर्स पूरा नहीं होता। कहाँ से कहाँ ये शिक्षा पहुंच गई? कहते शिक्षा का काम केवल पैसे कमाना ही नहीं, इसका काम है एक व्यक्ति को नेक इंसान बनाना। वर्तमान की शिक्षा के ऊपर एक बड़े अच्छे चिंतक ने कहा, कहते हमारे स्कूल कॉलेज वकील पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, वकील पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक नेक इंसान, यदि एक नेक इंसान नहीं है तो हमारा समाज किसका बनेगा? बस अपने आर्गुमेंट देखते रहेंगे, मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। लेकिन नेक इंसान बनना सबसे बड़ा देखा जाए लाभ है। 72 कलाई सीख ली, जब माता पिता ने देखा बेटा जवान हो गया, तो किसी का ऐसा तो कोई होगा जो जो सोचेगा मेरा बेटा साधु बन जाए, नहीं तो सोचता है बस बेटा जवान हो गया है, बाप सोचता है बेटा मेरी दुकान संभालेगा, माँ सोचती है रोटी बनाने वाली मेरा काम हल्का हो जाए, इसलिए कौन आ जाए, बहू आ जाए, जे है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास में आर्य श्री रक्षित जी का वर्णन आता है। कहते जब वो 14 विद्याओं के ज्ञाता होके आए, पुरोहित परिवार था, राज पुरोहित, जब वो पढ़ करके आए तो राजा की ओर से सम्मान दिया गया। जब वो घर में आया तो माँ समाय कर रही थी, सारे तो आगे आ रहे हैं लेकिन माँ समाय के अंदर बैठी। अब वो आया, माँ को दूर से मत्था टेका, लेकिन माँ निरपेक्ष होके बैठी रही। कहने लगे माँ मैं 14 विद्या पढ़ के आया हूँ, सारा नगर खुशी से झूम रहा है और आपके चेहरे पर कोई खुशी की लहर नहीं, क्या बात, क्या कमी रह गई है? कहते बेटा तने 14 विद्याएं सीख ली, ये तो संसार को बढ़ाने वाली है, मेरे को तो खुशी तब होगी यदि तो दृष्टिवाद शास्त्र पढ़े। कौन सा शास्त्र? दृष्टिवाद।
प्रज्ञावान था, पढ़ा लिखा था, अब नाम से लगा कि विशेष शास्त्र है। कहते माता आपकी खुशी के लिए मैं वो भी करूंगा। कहते आप पढ़ोगे तो खुशी होगी, लेकिन पढ़ाएगा कौन? मेरे गुरु जी हैं। कौन? नाम किसी को याद है? माता कला जी को तो याद होना चाहिए। आर्य श्री तोशली पुत्र जी है। किसी का नाम तोशली? किसी का नहीं है। हो सकता है माता संतोषी होगी तो तोशी तोशी कहते होंगे, तोशी से तोशली बन गया तो तोशली का पुत्र तोशली पुत्र। चाहे नाम कैसा था, एक दिन एक गण के वो मालिक बने, आचार्य बने। कहा वो क्या करेंगे? वो आपको पढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह उठे, माँ को नमस्कार करके, माँ का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। जब थोड़ी दूर गए तो उनके राजपुरोहित का दोस्त एक किसान ईख की गनेरिया, 9 डंडे तो पूरे हैं और एक क्या है थोड़ा, सोचता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो पूरा तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी बहुत है। चले गए। प्रसंग बहुत लंबा, कभी मौका होगा तो देखूंगा। बड़ा रोचक, जैसे आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी का जीवन है, ऐसे आचार्य श्री आर्य रक्षित जी का वर्णन है। तो माँ ने क्या भावना की थी, मेरा बेटा क्या बने? साधु बने। वो दृष्टिवाद पढ़े, मेरा बेटा दृष्टिवाद पढ़ेगा कितनी मेरे को खुशी होगी। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो इस समुद्र में स्नान करते हैं, जो हर किसी को नहीं मिलता। तो शादी की तैयारियां योजना बनने लग पड़ी। बड़ा समृद्ध परिवार था उस समय। कभी कभी ऐसा समय होता है आदमी भी गौरव समझते हैं, कह तेरी कितनी पत्नियां? कहती 8। तेरी कितनी है? कहते 16। तेरी कितनी है? कहते 32। बस इसी में समय का प्रवाह, ऐसा गौरव। आजकल तो कहते महाराज लड़के कुंवारे रह रहे हैं। क्यों बोला? लड़कियों की संख्या कम होगी जो ऐसा, कि वो इतनी कहां से लाते थे।